वेलकम स्टूडेंट टू द न्यू सेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम। heavy point mass weightless inextensible स्ट्रिंग। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा आइडियल सिंपल पेंडुलम पॉसिबल नहीं है। एक मास हैवी भी हो और पॉइंट मास भी हो, आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम प्रैक्टिस में हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल। अब देखिए, पहली चीज, इसमें कई बातें हमें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज तो यह है, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप अच्छे से समझते हैं, द नेचर ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेशन छोटे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2π√L/g, L/g। अब देखिए, यहां पर जो L का मीनिंग है वो है इफेक्टिव लेंथ। L का क्या मीनिंग है? इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ कहां तक मेजर की जाती है? तो देखिए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक हम इफेक्टिव लेंथ को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, एल स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव लेंथ। तो यहां देखने पे हमें समझ में आता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। अब एल को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ का क्या मीनिंग है? इट इज मेजर्ड, आप ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ बॉब, ये जो बॉब है, मेटलिक बॉब है, उसके सेंटर तक इस लेंथ को हम मेजर किया जाता है, तभी हम इसे इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और दूसरा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले में, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास है ही नहीं। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो ये लेंथ हुआ और दूसरा हुआ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज बदलेगी तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डेफिनेटली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, और दूसरी बात हम लिख सकते हैं टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। तो जहां एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, वहां टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज हो जाएगा। अब जैसे माउंटेन्स पर जाएंगे तो माउंटेन्स पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाता है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जी डिनोमिनेटर में है, अगर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो गया तो
तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो उसका क्या मीनिंग है कि वो एक ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लेगा। जब टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है तो इसका मीनिंग है कि वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लेगा, और अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लेगा तो उसका क्या मीनिंग है, वो स्लो हो जाएगा। अब माइंस, माइंस नीचे होती हैं, तो माइंस में जाएगा या माउंटेन्स में आप पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करोगे तो माइंस और माउंटेन्स दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और टाइम पीरियड दो फैक्टर पे, अब आपको टाइम पीरियड के फॉर्मूले से तो समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ पर। और इफेक्टिव लेंथ कैसे मेजर की जाती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कहाँ मेजर की जाती है, सेंटर ऑफ बॉब तक। ये देखिए, ये यहां से मेजर की जाती है और यहां तक मेजर की जाती है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट, तो प्रैक्टिकली तो हैवी पॉइंट मास होना तो पॉसिबल नहीं है, वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, पर प्रैक्टिकली हम एक बॉब को एक थ्रेड की मदद से सस्पेंड कर सकते हैं और उसको एक वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करा सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन के लिए उसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक ही होगा, वो सिंपल हार्मोनिक ही होगा। ये चीज क्लियर होगी, और दूसरी चीज ये भी क्लियर होगी कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ बॉब पर डिपेंड नहीं करता है। और शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो। अब देखिए, कुछ ग्राफ हमें मालूम होने चाहिए, पहला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर वाई एक्सिस पे हम टाइम पीरियड को लेंगे और एक्स एक्सिस पे लेंथ को लेंगे, और हम अच्छे से जानते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और ये इस तरह से बनेगा ग्राफ, पैराबोलिक होगा। और आप लोगों को बहुत एडवाइस किया है मैंने, बार बार मैंने आप लोगों को एक एडवाइस की है कि आपके पास जो भी 11th क्लास का स्टैंडर्ड बुक हो, आपको हमेशा उस बुक से थ्योरीज को पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, रीडिंग, रीडिंग से ही नॉलेज आती है। अब दो ग्राफ हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने लिया है जी को और यहाँ पे हमने लिया है टाइम पीरियड को। या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये ग्राफ को जरा ध्यान से देखना, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय जी, तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर इंटू जी क्या है, कांस्टेंट है, जैसे बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। तो ये दो ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए। इन दोनों ग्राफ आपको क्या है, मालूम होने चाहिए, ग्राफिकल आइडिया होना चाहिए। और अगर आपको मालूम हो तो मैंने आपको कुछ एक ग्राफ बताए थे, और ग्राफ को याद करने की कभी कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, ग्राफ को बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम यहां पर x एक्सिस माने और यहां पर y एक्सिस माने, तो इस ग्राफ का कंसेप्ट होता है y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। तो हम, हमारे पास इक्वेशन हो तो हम किसी भी इक्वेशन के ग्राफ को क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए कुछ केसेस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उनमें ये केसेस हमें मालूम होने चाहिए। अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट। ये मान लीजिए एक लिफ्ट है एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट। एंड लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सलरेशन ए। तो ऐसे केसेस में सिंपल पेंडुलम का, तो देखिए हम यहां लिख देते हैं लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सलरेशन, न्यूटन्स लॉ में हमने ये केस किया था, विद एक्सलरेशन ए। तो ऐसे केसेस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द लिफ्ट चेंज हो जाएगी, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा जी प्लस ए। तो वन बाय वन हम तीन या चार केसेस हैं, वन बाय वन हम इन सारे केसेस को करेंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू, वी डोंट हैव एनी हॉलीडे, तो किसी हॉलीडे के दिन भी आपको क्लास के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें एक गिवन टाइम में इतना ज्यादा कवर करना पड़ता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, और बहुत बार बोला है कि टाइम 11th का टेक्स्ट बुक, कोई सा भी किताब हो आपके पास, आप उसे पढ़ें, बार बार पढ़ें। जब तक आप उसे रीडिंग नहीं लगाएंगे तब तक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। अब देखिए सेकंड केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सलरेशन ए। तो ये रहा वो केस। तो ऐसे केसेस में टाइम पीरियड हो जाएगा टी इक्वल टू टू पाई एल अपॉन जी माइनस ए। बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट, अब देखिए अगला केस करते हैं। When lift is in state of rest, रुकी हुई हो, और
मूविंग विद। कौन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, क्योंकि टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, नोट करते चलिए। नेक्स्ट केस, व्हेन लिफ्ट इज, बड़ा अच्छा केस है, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो ऐसे केसेस में सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, फॉर्मूला है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाती है। तो टाइम पीरियड बिकम्स इंफिनिटी, टाइम पीरियड बिकम्स इंफिनिटी। दैट मींस पेंडुलम स्टॉप्स, ये रुक जाएगा। आपको समझाते हैं क्यों। इनफाइनाइट टाइम है, वो एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यही हो गया कि वो ऑसिलेशन करेगा ही नहीं, इट विल नॉट परफॉर्म एनी ऑसिलेशन। दैट मींस पेंडुलम स्टॉप्स ऑसिलेटिंग। ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट, अब ये जो केस हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एक्सलरेटेड कार, यू कैन से दैट। ये केस हो गया। ऐसे केसेस में जो पेंडुलम है वो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगा। मान लीजिए वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, थीटा। और दूसरी चीज ये मान लीजिए कि व्हीकल का एक्सलरेशन कितना है, ए है। तो यहां दो एक्सलरेशन एक्ट करते हैं बॉब पर। तो देखिए, एक तो ए एक्ट करेगा और एक एक्ट करेगा जी। तो नेट एक्सलरेशन कितना होगा, पाइथागोरस लगा के हम उसे निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दूसरा,
वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो इस एंगल को आप निकाल सकते हैं ए बाय जी से, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय जी। तो आप देखिए, जब जी नेट की वैल्यू बढ़ने के कारण टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ऐसे केसेस में पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें और बताएं। ग्राफ बनाना बहुत एक इजी कंसेप्ट है। चार ग्राफ होते हैं, पहला होता है एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तीसरा होता है वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और चौथा होता है एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई। मैंने बार बार इसको बताया है और आप लोगों ने इसे सीखने की कोशिश नहीं करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, सिर्फ चार तरह के ग्राफ होते हैं फिजिक्स में। वन टू थ्री एंड अनदर वन इज फोर्थ। इतना आपको बताया है इस बारे में, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप। देखिए, यहां लिया हमने एक्स, यहां लिया हमने वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहां वाई, यहां एक्स, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई, यहां एक्स, यहां वाई, वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहां वाई और यहां एक्स। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्यों नहीं समझ में आता है? सबके पास दिमाग बराबर है। अब जैसे ये ग्राफ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों नहीं आता समझ में। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू l। तो आप बताइए, टी स्क्वायर कहाँ लेना चाहेंगे आप? जवाब, आपका जवाब चाहिए। अगर हमें ये ग्राफ बनाना है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू l, तो हम टी कहां लेना चाहेंगे? नो आंसर, सभी इनएक्टिव लोग हैं। अच्छा, आपने बोला टी हम वाई एक्सिस पे लें, चलिए आपकी बात हमने मान ली, टी हम वाई एक्सिस पे लें, है ना? ठीक है, तो एल कहां लेंगे आप? एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो ग्राफ क्या है, इस ग्राफ को क्या लिख सकते हो? वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो कैसे बनेगा? ऐसे करेंगे। और कुछ लोगों को कम समझ में आता है, तो उनको थोड़ा मोटा समझाना पड़ेगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान था? क्या ये मुश्किल था? अब एक स्टूडेंट ने बोला, नहीं सर, हम ग्राफ ऐसे बनाना चाहेंगे। हमने पूछा उससे, भाई कैसे बनाना चाहोगे? बोले, हम क्या करना चाहते हैं, हम टी स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे लेना चाहते हैं। ले लीजिए, और एल को हम वाई एक्सिस पे लेना चाहते हैं। तो टी हमारा ग्राफ का कंसेप्ट है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो टी स्क्वायर क्या हो गया? एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू एल क्या हो गया? वाई हो गया। तो बताइए ग्राफ कैसे बनेगा? तो थोड़ा और मोटा समझाते हैं आपको। ये देखिए ऐसे बनेगा, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? अभी समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ गया ये? तो ग्राफ बनाना एक आर्ट है, आप उसको सीखिए।
कम से कम 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, पागल सरी के पढ़ाई करिए, तभी सिलेक्शन होता है, कंपटीशन है। तो ये ग्राफ की बात हो रही थी, तो ये कितना इजी है। इस तरह से हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर आ गया। अगर हम उसको इफ बॉब इज इमर्स, इफ सिंपल पेंडुलम इज डिप्ड और इमर्स्ड इन अ लिक्विड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। यहां देखिए, आपसे क्या जवाब चाहिए। एक जवाब तो यह है कि टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, दूसरा जवाब यह है कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तीसरा जवाब है कि टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या असर होगा। अब देखिए, लिक्विड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको सिखा देते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ सी चेंज हो जाएगी। डीएस अपॉन डीएल, तो व्हाट इज डीएस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑफ बॉब, जिस सॉलिड से बॉब बना हुआ है उसकी डेंसिटी डीएल। मैं हमेशा डेंसिटी को ऐसे लिखना पसंद करता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऐसे केसेस में जो टाइम पीरियड होगा क्या होता है, बॉयंट फोर्स लगता है, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर जी कम हो जाता है तो टाइम पीरियड ऐसे केसेस में इंक्रीज होता है, हमेशा ध्यान। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बॉयंट फोर्स लगता है तो जी कम हो जाता है, जी कम हो जाता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है।
कई बच्चों ने क्लास मिस कर दी मॉर्निंग का, तो उसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपको। तो हमेशा ये बात आप याद रखिए। ओके तो चलिए, आप टाइम है, एक आध क्वेश्चन करते हैं और ये आप लोगों को करना है आंसर। इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is increased by 21%, then the percentage change in time period, in its time period will be. So we have got four answers. 21%, 10%, third answer 30%, fourth answer 50%। तो बिल्कुल बेसिक नेचर है क्वेश्चन का। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और कुछ बेसिक्स आप सीखिए जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए, पहली चीज फिजिक्स में हर जगह यूज होती है, परसेंटेज चेंज इन टी कैसे निकालते हैं। टी टू माइनस टी वन, T2 का मतलब हो गया कि फाइनल टाइम पीरियड, ठीक है। T1 का मतलब हो गया इनिशियल टाइम पीरियड अपॉन T1 इनटू 100। अब देखिए, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, ठीक है। तो T को हम लिख सकते हैं के रूट एल, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो एक कॉन्स्टेंट हमने यूज किया। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, के एल टू माइनस के रूट एल वन, आपको समझ में आ रही है बात, के रूट एल वन इंटू 100। तो फिर क्या करिए, के को कैंसिल कर दीजिए, आपने के को कैंसिल कर दिया। अब क्या करना है, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो इनिशियल लेंथ आप मान लीजिए 100 और फाइनल लेंथ हो गई 21%, लेंथ बढ़ गई है तो 21 ऐड कर दीजिए, 121। तो ये देखिए क्या होगा, रूट 121 माइनस रूट 100। अब रूट तो निकालना पड़ेगा, तो रूट 21 क्या होगा, 11। ये क्या होगा, 10 अपॉन 10 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, कितना परसेंट आया, 10%। अब आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपको आसान लगा कि मुश्किल लगा। तो हम कोशिश करें। अब आपसे पूछा गया परसेंटेज चेंज इन वाई, मान लीजिए वाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप कैसे लिखेंगे, रूट वाई टू माइनस रूट वाई वन, मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई वन इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन जेड, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड वन इंटू 100। और यहाँ पे हमें ये देखिए, यहाँ पर हमें ये रिलेशनशिप मालूम थी, तो हमने उसको फायदा उठाया।
अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे परसेंटेज चेंज को हम कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम तो आसान है, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल एज मेजर्ड इन एन एलिवेटर, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट, डिसेंडिंग और डिसेंड कर रही है, नीचे आ रही है, विद एक्सलरेशन जी बाय थ्री इस। नाउ वी हैव गॉट फोर आंसर, टू पाई रूट ऑफ थ्री एल बाय जी, और इसको थोड़ा हमें ऐसे लिखना चाहिए, कैपिटल एल दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया है पाई रूट ऑफ थ्री एल बाय जी, थर्ड ऑप्शन दिया गया है टू पाई रूट ऑफ थ्री एल बाय जी टू जी, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है टू पाई इक्वल टू टू एल अपॉन थ्री जी। तो ये चार ऑप्शन है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। You can solve it very easily. अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, एंड वी नो इट वेरी वेल कि टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एल, और ये जो एलिवेटर है डिसेंड कर रही है, नीचे आ रही है, तो यहां हम लिखेंगे जी माइनस ए। और दूसरी बात, यहाँ लेंथ कितनी गिवन है हमें, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल लिखिए, लिफ्ट का एक्सलरेशन दिया गया है जी बाय थ्री। अब देखिए टू पाई रूट ऑफ एल टू जी बाय थ्री, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, टू पाई, कितना आसान है, थ्री एल अपॉन टू जी। तो सभी चीजें बन सकती हैं, अगर हमें फॉर्मूला मालूम हो तो हम उसे बहुत आसानी से पेंडुलम के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हम करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह की चीजें पूछी भी जा सकती हैं। बहुत बढ़िया है, अ सिंपल पेंडुलम has time period T in vacuum vacuum और air कह सकते हैं, इट्स टाइम पीरियड। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स टाइम पीरियड। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड
इन ए लिक्विड, कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1/8, 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब. नाउ वी हैव गॉट फोर आंसर. √7/80, सेकेंड ऑप्शन √5/8t, थर्ड ऑप्शन √3/8t, फोर्थ ऑप्शन √8/7t. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जितना हम क्लास में करते हैं उसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और दिस इज अ वेरी सैड कि फिर भी आप उसे नहीं कर पाते. इसका मतलब यह है कि आप क्लास वर्क को लिख कर रिवाइज नहीं करते, और इसका कोई दूसरा मीनिंग हो ही नहीं सकता. अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे. दुनिया में कोई एवरेज और इंटेलिजेंट नहीं होता. दो तरह के इंसान होते हैं, एक हार्ड वर्किंग होते हैं, और हार्ड वर्किंग लोग ही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और सिस्टमेटिक हार्ड वर्क करने वाले लोग और स्टूडेंट्स, और जो नॉन सिस्टमेटिक लोग होते हैं वो कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते. अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. टाइम पीरियड वेन इट इज इन वैक्यूम गिवन बाय एल बाय जी. When immersed in liquid, let the time period is t dash 2 pi root of L upon G into 1 minus ds upon dl. अब देखिए यहां हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. यहां डेंसिटी है जो लिक्विड की वो सॉलिड की डेंसिटी का 1/8 है, तो हमने इसको लिख दिया 1/8 ds. ठीक है, तो अब देखिए अब यहां इसको कैंसिल करना पड़ेगा. ये कैंसिल हो गया और फिर टाइम पीरियड हो गया हमारा 2πL g इंटू 1 minus 1/7. तो आप इसको लिख सकते हैं 2π √1 minus 1/8 7 तो बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली 1/8 होना चाहिए. आई एम सॉरी फॉर दैट. अब एलसीएम ले लिया तो 8 minus 1 7, तो ये 7/8 आ जाएगा. 7/8 तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. मैंने जब फ्रैक्शन को हम अरेंज करेंगे 8/7, ठीक है, और ये बचा 2π √L/g. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं टी. तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा √8/7 × t. तो अब आप खुद बताइए कि क्वेश्चन टफ है कि इजी है, आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर आपके पास फॉर्मूला मालूम है तो आप इन सब चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली. मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. वन माइनस वन बाय एट क्या होता है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा. लिख कर क्यों नहीं करते हो, 7/8 नहीं होगा, कहां से 1/8 हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है, उसका आंसर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, 1/8 है.
ये यहाँ देखिए, हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके, अच्छा हाँ एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेट अस चेक। या हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूला लिखने में कुछ गलती कर कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अब देखिए इसको हम सुधार लेते हैं। पहले तो आप अब देखिए इस फॉर्मूले को हमें सुधारना पड़ेगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ होना चाहिए डीएल बाय डीएस। आप अपनी कॉपी में भी चेक कर लीजिए क्या होना चाहिए, डीएल बाय डीएस। और फिर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूले में आप करेक्शन कर लीजिए, तो डी एल बाय डी एस, तो ये हो गया डी एस बाय 8 अपॉन डी एस। तो मेरे ख्याल से अब आंसर आपका सही आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 8 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 8। तो ये फॉर्मूले में जो सुधार है, और प्लीज स्टूडेंट्स ये करेक्शन है, तो इसको आप जरूर कर लीजिए। हमने शायद पहले फॉर्मूला गलत लिख दिया, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो आप ये करेक्शन कर लीजिए। क्या सभी लोगों ने इस करेक्शन को कर लिया? और कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पढ़ाने वाले भी गलती कर सकते हैं। अब इसको आप सुधार लीजिए और इस केस को आप याद रखिए। शायद हमने पहले कुछ गलत लिखा था, तो हम उस गलती को सुधार सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने इसे कर लिया होगा। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है और एक एक्सलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इन दोनों में से कोई भी चीज बदलेगी तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे पूछा जाता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे सॉल्व करें। अ पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी इन एयर, ओके, व्हेन इट इज मेड टू ऑसिलेट। इन वॉटर इट एक्वायर्ड अ टाइम पीरियड टी डैश वेयर टी डैश इज रूट टू टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब, और ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। आप वाटर की डेंसिटी 1 मान सकते हैं, नहीं तो हमें अगर न्यूमेरिकल है तो हमें 1000 केजी पर मीटर क्यूब लिया है। ये सीजीएस में है,
खैर अब देखिए, ये आंसर्स हैं इसके, रूट टू, उम्मीद है आप सॉल्व करेंगे। तीसरा आंसर है 2√2, चौथा आंसर है 9। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। टी डैश इज रूट टू टी। अब रूट टू टी तो बहुत सिंपल है, 2π रूट ऑफ L/G, और टी डैश क्या होगा, 2π रूट ऑफ L/G इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होएगा, 1 - dL/dS। dL स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये कैंसिल हो गया, रूट एल भी कैंसिल हो गया, रूट एल भी कैंसिल हो गया, ये जी भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, सवाल ये उठता है, व्हाट इज लेफ्ट। अब वाटर की डेंसिटी तो बोल रहे हैं, मान ले डेंसिटी ऑफ ये हमें निकालनी है, इक्वल टू √2, स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करने पर ये हमें 1/dS इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं dS/dS-1 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2dS-2 = dS। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये 2dS-dS हो जाएगा dS, और ये हो जाएगा 2। तो डेंसिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए। क्योंकि वो उस फॉर्मूले को थोड़ा हमें सुधारना भी था। आप बताइए कितने लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है। अब फॉर्मूले में गलती तो नहीं होगी, चैट करना चाहिए बाकी बच्चों को। तो ये देखिए, ये जो है ना मेन बात ये है, लिक्विड के अंदर डेंसिटी वही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बॉब है और ये लिक्विड के अंदर है, यहां इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2π√L/g, ये फॉर्मूला हमेशा हमें याद रहना चाहिए। डीएल स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डीएस स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। अब तो क्लियर हो गया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ यू शुड नॉट हैव एनी डाउट। और ये बिल्कुल क्लियर है, ये लिक्विड के अंदर है। तो सिंपल एप्लीकेशंस आती हैं, पेपर इजी होता है, बहुत पढ़ाई की जरूरत है।
हाँ, आप लोग बहुत घबराते हैं, प्रॉब्लम यह है। अभी हम आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं तो आपको प्रैक्टिस से प्रॉब्लम है, कम प्रैक्टिस कराते हैं तो आप बिल्कुल बिगाड़ते हो। अब ये चलेगा? ओके, तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एंड वी डोंट हैव एनी हॉलीडे, क्लास हमेशा लगेगी, एंड वेरी सून वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस ऑन संडे ऑल्सो।